हाउ टू फिल ट्रिपल सी फॉर्म ऑनलाइन, ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं? बता रहा हूँ सर, अगला टॉपिक लिखो हाउ टू फिल ट्रिपल सी फॉर्म ऑनलाइन। इसकी जो फीस जाती है वो जाती है 590 रुपीज। कितनी जाती है? 590 रुपीज। ये दो तरीके से भरे जाते हैं, या तो डायरेक्ट भर लो या इंस्टीट्यूट के थ्रू भर लो। अगर आप डायरेक्ट भरते हैं तो आपने मान्यता तो ले नहीं रखी, तो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से भरते हैं तो उस पर लिखा हुआ है उस इंस्टीट्यूट का नाम, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग नॉलेज सॉल्यूशन, कि आपने पढ़ाई करके या स्टडी करके एग्जाम दिया है। ठीक है, अब दोनों में फर्क कुछ नहीं है, जैसे एक रेगुलर होता है एक प्राइवेट होता है ना, बस वही सेम सेम चीजें हैं। अब इसकी जो फॉर्म सेम है दोनों, जो फॉर्म भरे जाते हैं एवरी मंथ भरे जाते हैं, लेकिन 30 तारीख से पहले पहले आपको, 31 तारीख से पहले पहले जो लास्ट डेट होती है, जो लास्ट डेट होती है, आपको उससे पहले पहले वो फॉर्म फिल करके देना होगा ऑनलाइन। अब इसकी साइट कौन सी है, भरेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन किया, क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहां पर लिखा गूगल, गूगल के अंदर गए और यहां पर लिखा आपने नाइलेट। क्या लिखा? नाइलेट, NIELIT। जब आप नाइलेट लिखेंगे, लिखना क्या आपको NIELIT, तो आपको लिखना है गूगल के अंदर जाके NIELIT, नाइलेट। लेकिन आपको उसी नाइलेट पे क्लिक करना है जिसके आगे लिखा रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखा रहना चाहिए। ऐसे कहां लिखा है स्टूडेंट, दिखाता हूं मैं आपको, मैंने इसको बड़ा किया, इसे लिखा हुआ स्टूडेंट। अब आपको इस पर क्लिक नहीं करना, नीचे वाले पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट, आपको यहां क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आया आपके सामने। यहां पर तो ये मैसेज आ रहा है, इसको यहां से बंद कर दो। यहां पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, आ रहा है, मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया। यहां पर पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, बीसीसी का, ट्रिपल सी का, ओ लेवल का, ए लेवल का, बी लेवल का या सी लेवल का। सारे फॉर्म अवेलेबल है, बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, या फिर आगे भी है एमओपीआर, बीसीसी, सीसीपी, ईसीसी, या ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल, या मैट, आपको मैट करनी है ओ लेवल से। तो यहाँ गवर्नमेंट के जितने भी पढ़ाई है वो जितने भी फॉर्म होते हैं कंप्यूटर से संबंधित, सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित, वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो आपको करना है यहाँ पर ट्रिपल सी पे क्लिक, मुझे ट्रिपल सी का फॉर्म भरना है सेकंड नंबर वाला। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप एग्री हो फॉर्म भरने के लिए। हाँ मैं कम एग्री हूँ, आई एग्री, मैं आपकी शर्तों को पूरा करूंगा, जिसको कंडीशन दे रखी है नीचे। फॉर्म भरने के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट होनी कंपलसरी है, मतलब 10th पास होना कंपलसरी है। सबसे पहले यहां पर गए, पूछ रहा है वेदर अप्लाइड प्रीवियस इन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, क्या आपने पहले भी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। भाई किसी ने ट्रिपल सी के फॉर्म भरा और फेल हो गया हो तो उसने तो आवेदन कर रखा ना पहले भी, बाय चांस फेल हो गया है तो उस केस में वो कहेगा यस मैंने पहले भी आवेदन किया था ट्रिपल सी के फॉर्म के लिए लेकिन मैं फेल हो गया। तो आपको फिर क्या करना है, वहां पर अपना रोल नंबर डालना है। जैसे आप रोल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, पूरा फॉर्म फिल होकर अपने आप आ जाएगा, बस आपको सबमिट करना है और फीस जमा करनी दोबारा से। लेकिन आपने कहा कि मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा पहले, आपने कहा मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा, फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो आप इसे बैक करेंगे और यहां पर कर देंगे नो। क्या कर देंगे? नो पे क्लिक किया,
यहाँ पर आएगा एप्लीकेंट फुल नेम, एप्लीकेंट का फुल नाम क्या है, आपने सिलेक्ट किया मिस्टर श्री या सुश्री, मिस्टर मिस, तो मैंने यहाँ पर मिस्टर क्लिक कर दिया, अपना नाम लिख दिया। अब जो लिखोगे वो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल नहीं। फिर टैब पे गए, पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल, ठीक। आप जब लिखते हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी को मेल भी करते हो तो सब चीज कैपिटल में लिखते हैं। हाँ, वो उस केस में होता है जब ब्लॉक लेटर बने हो, आप ऑफलाइन भर रहे हो ना, ऑफलाइन भरते हैं, ऑफलाइन भरते हैं और ब्लॉक लेटर बने, ब्लॉक बने हो, तब आपको कैपिटल लिखना पड़ता है। उसमें लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। सर जैसे वो फॉर्म भरते हैं उसमें कैपिटल लेटर में, वो ऑफलाइन होते हैं सर, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भी सही भी ओके। अगर आप मैं इसको फॉर्म कैपिटल में, अगर मैं इसे कैपिटल में भी भरूंगा ना, तो जब मैं सबमिट करूंगा तो अपने बाय डिफॉल्ट पहला लेटर बड़ा लेगा और बाकी छोटा लेगा, करके दिखा दूंगा। ये तो मैंने यहाँ पर किया, इसको यहाँ हटाया, कैप्स लॉक ऑन किया, ठीक है सर, मैं कैपिटल में लिखा, यहाँ पर मदर का नेम लिखा, नेक्स्ट पे आगे आगे आपने क्या लिखा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो भी आपकी हो, नीचे आए, फिर आपने कहा कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी जनरल ले ली, यहाँ पर ऑक्यूपेशन ले लिया। अब ऑक्यूपेशन में ना तो सरकारी कर्मचारी है, मैंने अदर में डाल दिया, पाई में डाल दिया अदर। फिर यहाँ पर अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो डाल देना वरना छोड़ देना, 0121 और यहाँ पर 40 50 480, ये डालना कंपलसरी नहीं है। अब पता कैसे लगा कि कंपलसरी है या नहीं, इसके आगे स्टार लगा हुआ नहीं आ रहा, जिसके आगे स्टार लगा हुआ आए वो भरना कंपलसरी होता है, इसके आगे स्टार लगा हुआ नहीं आए वो भरना कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डालो वरना छोड़ दो। नेक्स्ट आया आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पर, फिर यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल देना, फिर अपना एड्रेस डाल देना यहाँ पर, ठीक, तो भी आपका एड्रेस है घर का, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इतना डालने के बाद नीचे आएंगे आप और सिलेक्ट करेंगे किसे, डिस्ट्रिक्ट को, मेरठ, सॉरी स्टेट है ना, तो उत्तर प्रदेश आएगा यहाँ, ठीक, नीचे आएगी डिस्ट्रिक्ट मेरठ, फिर यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल देना यहाँ पर, यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में देखो मिनिमम कितना आ रहा है, 8th आ रहा है, बिलो 10th भी आ रहा है, लेकिन आप 10th मिनिमम है ही है कम से कम। अभी मान लो आप 10th कर रहे हो तो उस केस में भी आप डाल सकते हो, लेकिन 10th का इसलिए लेते हैं हम क्योंकि उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है 10th क्लास में, तो आप हम तभी इसी का फॉर्म भरते हैं जब उसने 10th पास कर रखी है, अदरवाइज नहीं भरते, क्योंकि फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होता हमारे पास उसका। तो यहाँ पर मैंने 10th किया, 10th करने के बाद वो 10th कौन से सन में पास करी, अगर आपने 12th लगाना चाह रहे हो तो 12th लगा लो यहाँ से, लेकिन मैंने कहा बच्चों 10th लगा देते हैं, और इन्होंने पास करी 2007 में, मतलब किसी कुछ भी डालो। इसके बाद नीचे आए, फिर यहाँ पूछ रहा है डायरेक्ट भरना है या इंस्टीट्यूट के थ्रू भरना है, अगर आप डायरेक्ट भरते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एवरी मंथ, एग्जाम साइकिल। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, आप फॉर्म कब के लिए भरे आने हैं, दिसंबर के लिए, अब क्या चल रहा है, आप जिस भी मंथ पेपर भर ये फॉर्म भरते हैं उसके अगले महीने का गैप लगता है और उसके अगले महीने के स्टार्टिंग में पेपर हो जाता है। सपोज आपने फॉर्म डाला अक्टूबर में, तो मैंने कहा अक्टूबर की 30 तारीख से पहले पहले डालना होगा आपको। अब जिस महीने में आप फॉर्म डालते हैं उसके अगले महीने का तो गैप लगेगा, और उसके अगले महीने दिसंबर में जो फर्स्ट सैटरडे होगा या फर्स्ट संडे होगा उसमें आपका एग्जाम चला जाएगा। आपने जिस मंथ पेपर डाला, ध्यान सुनो, जिस महीने पेपर डाला, जिस महीने ये फॉर्म फिल किया उसके अगले महीने का तो गैप लगता है और उसके अगले महीने के स्टार्टिंग में पेपर जाता है, ठीक। सपोज मैंने फॉर्म भरा अक्टूबर में और 30 तारीख से पहले पहले भरना है, तो जो भी स्टूडेंट 30 तारीख से पहले पहले फॉर्म डालेगा उसका नवंबर का गैप लगेगा और दिसंबर के जो पहला सैटरडे है या पहला संडे है उसमें एग्जाम हो जाएगा।